हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोज एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर। जी हाँ, तो गाइस, कई लोगों को जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे सिस्टम की तरह प्रोसेस होती है तो उनको इस टाइप का एक मेल आता है, दिस इज नॉट ए एक्नॉलेजमेंट। इसके अंदर गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है कि आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल की थी उसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन है, कुछ चीज़ें हैं जिससे हम यहाँ पे जो है जिसको डिसअलाउ कर रहे हैं। तो गाइस, इस नोटिस का बेसिकली आपको 30 दिन के अंदर यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। अब इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे आपको जवाब देना है, सारी चीज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे थ्रू टैक्स कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सिंपली जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, इस टाइप के नोटिस को यहां पे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर सिंपली यहां पे लॉग इन करना है, पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है, यहां पे लिखा होता है ई प्रोसीडिंग, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहां पे क्लिक करते ही यहां पे सिंपली आपको सारी डिटेल्स दिखा देता है कि यहां पे कौन सा नोटिस आया हुआ है। अब नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, वैसे तो वो चीज जो है आपको ईमेल के ऊपर ही मिल जाती है, लेकिन इसको और समझने के लिए आपको सिंपली व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन एक नंबर दिया हुआ है, प्लस आपको लास्ट डेट दी हुई है कि कब तक आपको यहां पे रिस्पांस करना है। अब रिस्पांस करने के लिए सिंपली आपको सबमिट रिस्पांस के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको दिखाता है कि यहां पे क्या वेरिएशन आ रखा है या गवर्नमेंट ने क्या चीज यहां पे डिसअलाउ कर रखी। अब गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है कि यहां पे जो टोटल इनकम जो शेड्यूल होता है इनकम टैक्स के अंदर, इसके अंदर बेसिकली आप अपने लॉसेस को यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपनी जो रिटर्न है वो आफ्टर द ड्यू डेट यहां पे फाइल की है। तो गाइस, अब ऐसी यहां पे जो है बहुत सारे आपके केस में जैसे कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज यहां पे डिडक्शन क्लेम कर रखी है वो यहां पे डिसअलाउ हो गई हो, जैसे मेरे केस में यहां पे इन्होंने लॉसेस को यहां पे डिसअलाउ कर दिया है। अब आपके सामने यहां पे दो रास्ते होते हैं कि या तो इस चीज को आप एग्री करते हैं, अगर एग्री नहीं करते तो यहां पे आपको डिसएग्री करना पड़ेगा, प्लस उस डिसएग्री का आपको रिमार्क्स डालना पड़ेगा। तो गाइस, सिंपली आपको प्रोवाइड रिस्पांस के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। अगर आप एग्री करेंगे तो यहां पे आपको कोई भी रिमार्क्स डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पे सेव करके सबमिट कर सकते हैं। उस केस में गाइस, आपका जो आईटीआर होगा, ये जो वेरियंस होगा, जितना भी जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी आईटीआर से निकाल दिया जाएगा और रीअसेस किया जाएगा कि अगर आपका कोई भी टैक्स पे बन रहा है या कोई आपका टैक्स रिफंड बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आईटीआर यहां पे प्रोसेस होगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इस चीज से यहां पे डिसएग्री करते हैं तो यहां पे आपको सिंपली रिमार्क्स डालना पड़ेगा कि इस चीज से आप यहां पे क्यों डिसएग्री करते हैं। वो रिमार्क्स को इंसर्ट करने के बाद में सिंपली आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करके अपना जो रिस्पॉन्स है वो यहां पे सबमिट करना पड़ेगा। गाइस, इस तरह का कभी भी आपके पास में नोटिस आता है तो एटलीस्ट अपने टैक्स कंसल्टेंट से जहां से भी आपने आईटीआर फिलअप करवाई है या फिर आप गूगल कर सकते हैं, जिस भी टाइप का आपको वेरिएंस यहां पे इश्यू हो रखा है अपने इनकम टैक्स को यहां पे रीड कर सकते हैं कि उसके अंदर ये चीज अलाउ है या नहीं है, उसी के बाद में आपको इस जो नोटिस को है जो है यहां पे रिस्पांस करना चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।